बताती हूँ दोस्तों, तो हम हैं वैष्णो देवी कटरा की मेन मार्केट में। कैसा लग रहा है, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। जय माता दी, जय माता की, जय माता दी। दोस्तों, तो आज हम लोग आए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा, और ये रहा कटरा का रेलवे स्टेशन। काफी बड़ा ये रेलवे स्टेशन है, और अब तो काफी सारी ट्रेनें चलने लगी हैं। पहले तो कम ट्रेनें चलती थी, अब तो बहुत ट्रेनें चलने लगी हैं। तो जिस ट्रेन से भी आप आना चाहें, कहीं से भी आपको ट्रेन मिल जाएगी। और यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, ये रहा पहाड़। इस पहाड़ पे हमको चढ़ना है। और जैसे आप रेलवे स्टेशन के अंदर आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे आपको यात्रा पर्ची, एक यात्रा जब आप करेंगे ना, तो उसके लिए आपको एक पर्ची कटवानी पड़ेगी। आपको एक कार्ड मिलेगा, वो कार्ड आप गले में लटका लेंगे, और वो आप कहीं भी बनवा सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे भी बनवा सकते हैं। यहाँ तो काफ़ी भीड़ पड़ती है, तो आप यहाँ ना बनवाएं, आप अंदर बनवा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो आप हेलीकॉप्टर से भी मंदिर जा सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा क्या चार्जेस रहेंगे इसके, और घोड़ा पालकी सबके चार्जेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा रास्ता है जाने के लिए मंदिर, और ये जो बीच में मंदिर आपको दिखा है, ये है अर्धकुमारी। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे ना, तो आपको यहाँ पे सिम वगैरह लेनी है तो सिम ले सकते हैं। आपको होटल्स वगैरह यहाँ मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पास में एक पुष्प बिला करके होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है, प्राइवेट होटल है। तो लगभग 2000 तक आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो सस्ते में निहारी के कॉम्प्लेक्स में भी रुक सकते हैं। यहाँ आपको 500 से 1000 रुपये में बहुत अच्छे अच्छे रूम मिल जाएंगे। 500 रुपये में आपको सिंगल बेड मिल जाएंगे, और 1000 रुपये तक आपको एक रूम मिल जाएगा जिसमें आप 2-4 लोग, जितने लोग हैं, रुक सकते हैं। तो यहाँ पे आप आके इंक्वायरी करेंगे तो आपको बहुत सारे रूम मिल जाएंगे। कोशिश करें आप पहले से बुकिंग कर लें, प्री बुकिंग, क्योंकि कभी कभी सीजन वाइज ना यहाँ रूम नहीं मिलते हैं और बुकिंग रहते हैं, क्योंकि सस्ते होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको बुकिंग पहले ही करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ से आप ऊपर के लिए भी कर सकते हैं, ऊपर भी काफ़ी सारे भवन हैं रुकने के लिए, वहाँ के लिए भी आपको यहीं से बुकिंग करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे भी आप यात्रा पर्ची कटवा सकते हैं। यहाँ आपको हेलीकॉप्टर के टिकट भी आपको यहीं निहारी का भवन में मिलेंगे, जो कि बस स्टैंड पर ही है। और इस टाइप से आपको बेड मिलेंगे, देखिए आप, ये आपको 500 रुपये पर बेड के मिल जाएंगे। खाना पीना भी आप यहाँ कर सकते हैं, ये चार्जेस लिखे हुए हैं, तो आप एक बार चार्जेस देख लेना। अगर हेलीकॉप्टर की चार्जेस की बात करें, तो अगर आपको वन वे सिर्फ जाना ही जाना है तो 2100 रुपये लगेंगे, और साथ में आना भी है तो आपको 4200 रुपये टोटल लगेंगे, पर पर्सन 4200 रुपये, है ना। तो आप उससे भी जा सकते हैं। और जैसे ही आप कटरा से वैष्णो देवी के लिए निकलेंगे ना, तो आपको यहीं नीचे के नीचे टैक्सी मिलेंगी, लगभग 200-300 ऐसे टैक्सी आपको मिल जाएंगे, तो ऑटो वगैरह आप करके आ सकते हैं। सबसे पहले आपको नीचे मिलेगा चेक पोस्ट। आप यात्रा की, आपको यहाँ पे यहाँ नहीं कटवाना आपको यात्रा पर्ची, पहले ही आप कटवा के जाएं। बस स्टैंड पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ आप यात्रा पर्ची कटवा सकते हैं। इस टाइप से आपको एक कार्ड मिलेगा जो आप गले में टांग देंगे। आपको पूरी यात्रा करते टाइम ये गले में रखना है, अगर आप वापस आएंगे तो इसके बगैर आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। कैसा लग रहा है, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। काफी सालों बाद आए हैं ना। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे, तो इसके बाद फिर आपकी यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे आपके घोड़ा पालकी जो भी आपको करना है वो आप बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर का मैंने आपको बता ही दिया है क्या चार्जेस रहेंगे, और यहाँ घोड़ा पालकी का भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चार्जेस रहेंगे। और जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको काउंटर मिलेंगे। इस काउंटर में आपको यहाँ से बुकिंग करनी पड़ेगी। याद रखिए, घोड़ा पालकी आप डायरेक्ट मत कीजिएगा, काउंटर के थ्रू कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा यहाँ पे साइड में दिया हुआ है ना, कितना चार्जेस है, घोड़े का कितना चार्जेस है, पालकी का कितना है, ये सारे चार्जेस लिखे हुए हैं। तो आप एक बार वीडियो को रोक के एकदम अच्छे से पढ़ सकते हो। डायरेक्ट बुकिंग नहीं करनी है। डायरेक्ट बुकिंग करने में ये होगा कि ये लोग मनमाने चार्जेस ले सकते हैं, और कोई जिम्मेदारी नहीं होती प्रशासन की। तो आप काउंटर के थ्रू करेंगे, तो जो भी आपके साथ जाएंगे आपको घोड़े में पालकी में लेके, वो आपको उनका आईडी कार्ड आपको दे देंगे। तो आपके पास उनका आईडी कार्ड रहेगा तो ये छोड़ के कहीं भागेंगे नहीं, फालतू आपसे कुछ बोलेंगे नहीं। बाणगंगा जी में आप यहाँ नहा सकते हैं, आप क्योंकि यहाँ से नहा के जाते हैं अधिकतर लोग। अगर आप नहीं भी नहाना चाहते तो हल्का फुल्का पानी अपने ऊपर छिड़क लें, क्योंकि ये पानी में ही अधिकतर लोग नहा के जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि इससे नहा के जाइए। और जैसे ही आप यहाँ से जैसे चढ़ते जाएंगे, फिर यहाँ से आपको मिलेंगी दुकानें जहाँ पे आप फोटो शूट करवा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में ऊपर तो अलाउ नहीं होता, तो यहाँ ये आर्टिफिशियल बना लेते हैं, तो उसमें आप जाके फोटो खिंचवा लें तो ऐसा लगता है आप मंदिर में ही फोटो खिंचवाइए। और ये रहा सबसे पहला मंदिर, गीता मंदिर। और ऐसे मंदिर आपको पढ़ते जाएंगे, पहला पड़ेगा आपको सबसे पहला गीता मंदिर, और आपको गीता भवन मिलेगा। यहाँ पे सभी देवी देवताएं हैं, तो आप यहाँ पे दर्शन करें, और ऐसे आपको जगह जगह मिलते जाएंगे। फर्स्ट जो आपके दर्शन होंगे गीता भवन, गीता मंदिर होगा, उसके बाद आता है आपका चरण पादुका। पर यहाँ पे आपको बीच में काफ़ी सारे दुकान मिल जाएंगी, खाने पीने की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। चरण पादुका में दर्शन आप जाते टाइम ही कर लें, क्योंकि आते टाइम थक जाते हैं, तो दर्शन करने की फिर इच्छा आपकी होगी नहीं।
और कई बार रात में मंदिर बंद हो जाता है, तो जाते टाइम कोशिश करें कि जाते टाइम ही चरण पादुका में दर्शन कर लें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अधूरे माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है चरण पादुका हुआ, अर्धकुंवारी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। जब भी आप इतनी दूर आए हैं तो एक बार दर्शन जरूर करें। इसके बाद जैसे ही आप ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आपको दुकानें मिलती जाएंगी, यहाँ आपको पानी पीने की सुविधा मिल जाएंगी, जगह जगह आपको टॉयलेट्स मिल जाएंगे, साफ सुथरे टॉयलेट्स मिलेंगे आपको, आपको आरओ का पानी मिलेगा, आप चाहें तो आरओ का पानी ले सकते हैं, आपको नॉर्मल वाटर भी मिल जाएगा, और जगह जगह आपको यहाँ पे ऐसे मसाजिंग की सुविधा भी मिल जाएगी। 30 से 50 रुपए लगते हैं, तो कहीं पे भी आप मसाज करवा सकते हैं। पहले ज़्यादा चार्जेस होते थे 300-500, अब तो 30-40 रुपए लगते हैं। सेकंड थिंग मैं आपको बता दूँ कि आप सीढ़ियों से ना चढ़ें, कोशिश करें कि आप सीढ़ियों से ना चढ़ें, क्योंकि सीढ़ियाँ आपको जगह जगह मिल जाएंगी पर इससे आप थकेंगे ज़्यादा और दिक्कत ज़्यादा होगी, सांस ज़्यादा आपकी फूलेगी, और बुजुर्ग तो बिल्कुल भी ना जाए। ये जो काउंटर है ना, इन काउंटर पे ही आप घोड़ा बुकिंग कर सकते हैं, पालकी बुकिंग कर सकते हैं, पिट्ठू, जो भी आपको चाहिए हो, बीच में हर कहीं नहीं मिलेगा आपको, काउंटर पे ही मिलना है आपको। 3-4 काउंटर मिलेंगे, अर्धकुंवारी पे मिलेगा आपको, ये चरण पादुका पे मिल गया, एक आपका नीचे ही मिल गया, एक मंदिर मिलेगा, ऐसे 3-4 काउंटर आपको मिलेंगे, और टॉयलेट्स तो आपको जगह जगह मिलेंगी मिलेंगी, तो पैदल भी चढ़ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लाठी ले लो बढ़िया और मस्त पैदल चलते जाओ। हाँ, बुजुर्ग हैं जो नहीं चढ़ सकते उनकी बात अलग है, और आपको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी मिलेंगे बीच बीच में, तो कभी कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो बहुत सेफ है। अर्धकुंवारी पे आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक हिमकोटी मार्ग मिलेगा और एक दूसरा रास्ता भी मिलेगा आपको। 2 रास्ते हैं, जिस रास्ते से आपको जाना है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रास्ते अच्छे हैं, एक पुराना रास्ता है, एक नया रास्ता है। तो हम लोग अभी पहले अर्धकुंवारी पे आए हैं, यहाँ से देखिए ये है अर्धकुंवारी का मंदिर। यहाँ पे आपको खाने की व्यवस्था मिल जाएगी, भोजनालय मिल जाएंगे, जो माता वैष्णो देवी का जो साइन बोर्ड है वहाँ शुद्ध खाना और सस्ता खाना आपको मिलता है, 24 घंटे चालू रहता है। अर्धकुंवारी में एक बात याद रखिएगा, अगर आपको अर्धकुंवारी में दर्शन करने हैं तो आपको यहाँ पे पर्ची कटवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ नंबर लगते हैं। जो पर्ची आपने अभी कटवाई है ना, या अगर दर्शन करने हैं, मान लो 7 लोग हैं आप, 7 लोगों ने पर्ची कटवाई, तो ये आपके 12-15 घंटे बाद नंबर आता है, तो पहले ही पर्ची कटवा के जाएं, नहीं तो बाद में आके आप दर्शन करके आओगे ना तो पर्ची कटवाओगे तो फिर आपको 12 घंटे बैठना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको कम्बल वगैरह सब किराए से मिल जाते हैं, ऊपर भवन है वहाँ पे पूरा हॉल बना हुआ है, कम्बल लो और बढ़िया कहीं पे भी सो जाओ। और ये जो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ ना, इस रास्ते से आप जाइएगा, जो अपना अर्धकुंवारी पड़ेगा, अर्धकुंवारी से इस रास्ते से आप जाइएगा, बिल्कुल मंदिर के बगल में ही दिख जाएगा आपको, इस रास्ते से बिल्कुल सीधा सीधा पड़ेगा आपको। और दूसरा रास्ता है जो खड़ी चढ़ाई है, उस पर मत जाना आप, वो भैरव बाबा के यहाँ से आता है, तो आपको इस रास्ते से जाना है ना, ये रास्ता आपको बिल्कुल सीधा सीधा पड़ेगा। देखिए किस तरीके से, ज़्यादा आपको चढ़ाई चढ़नी नहीं पड़ेगी, पहाड़ घूम के जाएगा। और ये जो बैटरी है, एक चीज़ और आपको बता दूँ, आप चाहें तो ये बैटरी कार बुकिंग कर सकते हैं अर्धकुंवारी से। अर्धकुंवारी से करेंगे तो लगभग 350 रुपये पर पर्सन किराया लगेगा, कम है, बहुत कम है आपको जाना, पर क्या होता है ना, बहुत लंबी लाइन लगती है तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, सीजन में तो बहुत लंबी लाइन लगती है तो बहुत टाइम लग जाता है, पर आप चाहें तो बैटरी कार ले सकते हैं, 350 रुपये पर पर्सन लगेगा, और जब वहाँ से रिटर्न आएंगे ना तो 250 रुपये के समथिंग लगेगा। और ये मंदिर दिख रहा है आपको, और हम लोग अब मंदिर जा रहे हैं, पहुँच गए हैं मंदिर, बहुत चढ़ाई है, काफ़ी थक गए हैं, पर फिर भी मज़ा आता है, सबके साथ जाओ पैदल चलते चलते, इन्जॉय काफ़ी होता है। और आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे पहाड़ हैं तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप रुके ना, बिल्कुल चलते जाएं, क्योंकि ये पहाड़ क्या भी कभी पत्थर गिरते रहते हैं, तो यहाँ पे लिखा होगा भाई, कई जगह पे लिखा है कि आप यहाँ ना बैठें, चलते जाएं, तो आप वहीं आराम करें जहाँ व्यवस्था है आराम करने की, हर कहीं बिल्कुल मत बैठिए, क्योंकि पत्थर गिरते रहते हैं, कब गिर जाए, कैसा गिर जाए, बड़े पत्थर छोटा पत्थर गिरते रहते हैं, तो ऐसा ध्यान से आपको जाना है। जब आप मंदिर पहुँचने वाले होंगे तो आपको चारों तरफ पहाड़ दिखेगा, माता जी जो है ना वो पहाड़ों के बीच में बैठी हैं, आपको चारों तरफ से पहाड़ घिरे मिलेंगे, बीच में बैठी हुई हैं, और जैसे आप दर्शन करने जाएंगे तो सब आपकी दूसरी चेकिंग यहाँ पे होगी, ये चेक पोस्ट और है, यहाँ पे एक बार प्रॉपर चेकिंग होगी, बैग में सब चेक होंगे। यहाँ आपको पार्वती भवन मिलेगा, आप यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, तो पर यहाँ पे बहुत भीड़ पड़ती है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं रूम, पर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, नहा धोना जो भी आपको करना है सब व्यवस्थाएँ आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको लॉकर रूम में सामान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मंदिर में आपका बैग, बेल्ट, पर्स, मोबाइल, ये सब बिल्कुल अलाउ नहीं होता ले जाना, कोई भी लेडीज़ पर्स भी बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। पैसे ले जा सकते हैं आप कुछ, तो यहाँ पे आपको लॉकर रूम मिलेंगे, फ्री हैं, ताला लीजिए, इसमें बढ़िया सामान रखिए, सेफ होते हैं, सब कैमरे लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं शूट करके बता देता हूँ, क्योंकि मोबाइल तो अंदर ले जा नहीं सकते, पर मैंने बाहर से तो थोड़ा सा शूट कर दिया। हम लोग की एंट्री यहाँ से होगी, पहले ये नहीं हुआ करता था 2-3 साल पहले, आजकल तो बहुत चेंज हो गया है, अब तो एक आपको अलग से ही व्यवस्था दी गई है, पूरा कांच से पैक कर दिया गया है ना। अब हम दर्शन कर चुके हैं, अब हम लोग भैरव मंदिर जा रहे हैं,
मैं आपको बता दूं कि भैरव मंदिर दो तरीके से जा सकते हैं, रोप वे से, पालकी वगैरह से भी जा सकते हैं। रोप वे का चार्ज 100 रुपये, आना जाना 100 रुपये पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, पर रोप वे 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो रोप वे अगर आपको जाना है तो शाम को 5 बजे के पहले ही जाइए, नहीं तो बंद हो जाएगा। भैरव बाबा के मंदिर भी हमने दर्शन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे भी मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउ नहीं था, तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। और हम लोग आएगा नीचे, ये जो मेन चौराहे है यहाँ का, मेन मार्केट है यहाँ का, यहाँ चढ़ाई होती है। जय माता दी दोस्तों, तो हम हैं वैष्णो देवी कटरा के मेन मार्केट में। ये है मेन मार्केट का चौराहा और यहाँ तो पुराना बस स्टैंड, यहाँ का मेन मार्केट। और यहाँ से आप चाहें तो पाटनी टॉप, नत्था टॉप भी जा सकते हैं। उसके किराया क्या होगा ये सब लिखा हुआ है, लगभग ये किराया होता है, इससे ज़्यादा किराया नहीं देना है आपको, कम ही होता है इससे। और ये रहा बाज़ार, यहाँ से हमने काफ़ी सारी शॉपिंग करी। अब हम मिलते हैं कल अगली वीडियो में, जहाँ पे हम जाएंगे नत्था टॉप, पाटनी टॉप। तो फिलहाल के लिए अभी मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।